गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा ऑफिशियल। तो सिन्हा जी हो रहे हैं रेडी। देखिए फिर सिन्हा जी का ब्यूटी का राज है फेयर एंड लवली। सो आई विल शो यू कौन सा वाला फेयर एंड लवली लगाते हैं सिन्हा जी। देखिए ये है सिन्हा जी का फेयर एंड लवली का राज। फेयर एंड लवली का नहीं, ब्यूटी का राज। देखिए लगा के असली गोरा पर। अभी हम लोग जा रहे हैं, एक जगह जा रहे हैं, वो सस्पेंस है, वो रास्ते में बताएंगे आपको। अभी बता देंगे तो मजा नहीं आएगा। सो तो मजा के लिए आप लोगों को थोड़ा सा चलना पड़ेगा हमारे साथ। तो गाइस आप लोग बताना कि क्या हम लोग पहाड़ी मंदिर जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं? आप लोग को क्या लग रहा है कहाँ जा रहे हैं? पहाड़ी मंदिर है ये तो। क्या सिन्हा जी आप लोग पहाड़ी मंदिर जा रहे हैं? जय पहाड़ी बाबा की जय। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको आइडिया तो लग ही जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। रिलेटेड हम लोग दिखा दिए आपको। और ये शनि भगवान की जय। और यहाँ पे पूरा वेदर आप देखो रांची का कितना औसम हो रखा है। और इधर है देवी मंदिर। और पता नहीं सिन्हा जी तो कहाँ ले जा रहे हैं। देखिए व्यू रांची का कितना अच्छा है और बहुत ही सुंदर व्यू है। मुझे रांची इसलिए बहुत पसंद है, भारत रेल। यहाँ देखिए कितना मस्त लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग, पता ही नहीं चल रहा है। आपके लिए भी सस्पेंस है और शायद मेरे लिए भी, लेकिन वो सस्पेंस बहुत जल्दी खुलने वाला है। और देखिए इधर रोड उधर रेल मालगाड़ी। देखिए बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, रोड भीगी 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 सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूँ। तो आप लोग भी इंतज़ार कीजिए हमारे जगह जहाँ हम जा रहे हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि हम लोग कहाँ आ चुके हैं, पता नहीं कहाँ आ गए। देखिए इधर क्या है, पूरा प्लेग्राउंड है। और इधर ठेला वाले भैया फ्रूट्स ले जा रहे हैं। और यहाँ छोले भटूरे का भी है। रास्ता बहुत ही अच्छा है, पूरा हरियाली ही हरियाली है, बहुत ही सुंदर रास्ता है, देख सकते हो। तो जब पहुँच जाएंगे फिर बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए। तो देखिए यहाँ भी फ्रूट्स वाले भैया हैं। रांची में फ्रूट्स बहुत अच्छा अच्छा मिलता है गाइस। तो देखिए कितना मस्त जगह है हम लोग। उधर पूरा हार्ट लगा हुआ है, देख सकते हो पूरा हार्ट लगा है। जूम करके दिखा दो, देखिए पूरा हार्ट लगा है। उधर भी हम लोग जाएंगे मेला में, पूरा मेला लगा है। और इधर देखिए देखिए मेला ही मेला, बर्तन का मेला, सारा मेला मेला। तो चलिए जगह पे चलते हैं, डेस्टिनेशन पे। क्या हम विधानसभा जाने वाले हैं? नहीं, हम विधानसभा आज नहीं जाने वाले हैं। तो हम कहाँ जाने वाले हैं? देखिए इधर का नज़ारा, सिर्फ हरियाली हरियाली है हमारे झारखंड में। तो हम कहाँ जा रहे हैं वो अब आप लोगों को बहुत जल्द पता चल जाएगा, हमारा डेस्टिनेशन। कुछ लोग तो आइडिया लगा भी लिए होंगे। चलिए हम थोड़ा सा आपको आइडिया दे ही देते हैं। हम जा रहे हैं कोई तीर्थ स्थल मंदिर जा रहे हैं। अब इस एरिया में कौन सी मंदिर पड़ती है वो तो आप लोग खुद सोच लो, और जब हम पहुँच जाएंगे तो दिखा भी देंगे। तो गाइज आप लोग देख सकते हो क्या हम इधर किधर आ गए यार, पता ही नहीं चल रहा। आपको दिखाने के लिए तो काफ़ी चीज़ें हैं, इसलिए हमने सोचा कि दिखाते भी जाते हैं रांची की खूबसूरती। गर्ल्स हॉस्पिटल भी इधर ही है। वेलकम टू GSCA स्टेडियम। अब इधर से कहाँ जा रहे पता नहीं, जा तो रहे हैं। देखिए इधर क्रिकेट चल रहा है, मस्त रोमांचक मैच चल रहा है मैच। ओ माय गॉड, बचपन के दिन याद आ गए। और यहाँ का सड़क आप देख सकते हो कितना अच्छा है,
रोड। और गाइस सबसे खूबसूरत बात ये बता देती हूँ कि अभी हो रही है झीमी झीमी बारिश, झमाझम नहीं हो रही है, झीमी झीमी बारिश। तो आप लोग झीमी झीमी बारिश का मज़ा आप नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं। और बहुत ठंडा, DAV पब्लिक स्कूल Sector 3 धुड़वा पहुंच गए हम लोग। ओ माय गॉड, भैंस दिख गया मुझे गाय में। और ये झारखंड आदिवासी सरल विकास स्मृति। और इधर देखिए, हम पूरे जंगल का यात्रा कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ जंगल में चलिए। ओह माय गॉड, कितना मस्त एरिया है इधर, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। आप लोग देख सकते हो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जूम करके आपको दिखा देते हैं। ये मंदिर है जहाँ हम लोग जाने वाले हैं। सो आप लोग भी हमारे साथ चलिए, और दूर से आपको थोड़ा बहुत पता चल गया कहाँ जा रहे हैं। तो 500 कहाँ जा रहे हैं, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को बता ही देना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, और बता ही दूंगी। लेकिन उसके लिए वीडियो देख के कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एरिया भी देख के, जो रांची से बिलोंग करते हैं, एरिया देख के भी उनको पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल, आप लोग गैस कीजिए, कमेंट कीजिए कि कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ का देखिए बहुत क्लियर, अब आपको दिख रहा होगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो देखिए जूम करके दिखा दे रही हूँ कहाँ जा रहे हैं। और अब यहाँ का व्यू देखिए, कितना मस्त पहाड़ पे स्थित है ये मंदिर, बहुत ही अच्छा मंदिर है। और मंदिर तो हमेशा ही अच्छा होता है। तो गाइस देखिए, ये तालाब भी है यहाँ पे, और ये व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ फ़ोटो भी आप लोग के लिए क्लिक कर लूँ। ठीक है, तो ये है रांची का जगन्नाथ मंदिर जहाँ हम लोग जा रहे हैं, आप लोग को भी दिखाएंगे। और यहाँ देखिए कपड़ा धुल रहा है, तालाब है तो लोग कपड़ा धुलने भी आते हैं यहाँ पे। और यहाँ आप देख सकते हो ओरिजिनल कमल का फूल खिला है, ठीक है, वाइट पिंक हर कलर का। तो ये है मंदिर जहाँ हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग हैं नीचे की ओर, मस्त व्यू है, बहुत ही अच्छा है। और बच्चे देखिए कैसे बैठे हुए हैं पहाड़ पे। और इधर घर भी है लोगों का, ऑब्वियसली जो जहाँ रहते हैं उनका वही घर होता है, इधर देख सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर की ओर, जब रास्ता आ जाएगा मंदिर का तो फिर दिखाते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हो यहीं से शुरू हो गया मंदिर का प्रसाद वगैरह मिलना। तो मुझे लगता है यही जगन्नाथ मंदिर है जहाँ हम लोग जा रहे हैं। इधर पूरा प्रसाद, और यही रास्ता है जो हम मोटी वगैरह से जाते हैं, तो यही रास्ता है। गाइस मैं आप लोगों को जगन्नाथ स्टोरी बताने लगूं, वही वो रास्ता है जहाँ से हम लोग जा रहे हैं। और ये सीढ़ी का रास्ता है, अगर कोई सीढ़ी से भी जाना चाहता है तो जा सकता है। और कितनी सीढ़ी है वो तो लिखी हुई नहीं है, और मेरा भी फर्स्ट टाइम है तो मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और बाकी नॉलेज मैं आप लोगों को लेके ज़रूर बताऊँगी। और यहाँ पर चढ़ान बहुत है, सिन्हा जी चढ़ा रहे हैं गाड़ी। ओ हम लोग को भी सीढ़ी से ही जाना होगा, है ना। हफ्ते बीत गए थे मुझे सिन्हा जी को बोलते बोलते कि मुझे जगन्नाथ मंदिर जाना है, मुझे जगन्नाथ मंदिर जाना है। सिन्हा जी बताएंगे कितने दिन हो गए थे मुझे बोलते बोलते कि मुझे जगन्नाथ मंदिर ले चलो। सिन्हा जी हाँ बताइए, बहुत टाइम हो गया।
बहुत टाइम इज लाइक 6 मंथ से मैं बोल रही हूँ। और कहते हैं ना कि अगर भगवान का बुलावा नहीं होता है ना, तो आप लाख कोशिश कर लो, भगवान के पास आप नहीं जा सकते हो, उनसे मिलने नहीं जा सकते हो, उनका दर्शन करने नहीं जा सकते हो। तो आप लोग को यहाँ पे ऐसे करके दिखा देती हूँ कितना ही अच्छा व्यू है और कितना ही अच्छा जगह हम लोग आ चुके हैं, क्योंकि ये है जगन्नाथ बाबा का मंदिर जहाँ पे हम लोग अभी जाएंगे दर्शन करने। पहली बार मेरे लिए तो पहली बार होगा। सिन्हा जी पता नहीं गए हैं नहीं गए हैं, वो बताएंगे आपको कि मुझे पता नहीं है कि वो गए हैं कि नहीं। एंड पता नहीं गाइस क्या आइज में चला गया मेरे, इट्स ओके नाउ। तो सिन्हा जी आप गए हैं पहले? बहुत पहले आए थे हम तो। अच्छा आए थे। देखिए हम लोग चप्पल नहीं पहने हैं, अब हम लोग पैदल जाएंगे। तो देखिए संडे है तो बहुत लोग आए भी हैं, तो चलिए हाँ ऑटो से भी आ रहे हैं, तो चलिए हम लोग चलते हैं जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर का पहला सीढ़ी चढ़ते हो कुछ ऐसा होता है सीढ़ी पे, ठीक है, कुछ ऐसा होता है सीढ़ी पे चढ़ना। और ये है बाबा का मंदिर, और इधर आप देख सकते हो कितना ही सुंदर है व्यू। और इधर तालाब भी दिख रहा है, और इधर मेरे सिन्हा जी भी मेरी जान दिख रहे हैं। और देखिए चलते हैं जगन्नाथ मंदिर। जय जगन्नाथ बाबा की जय। चलिए दर्शन कराते हैं गाइस। बहुत ज़्यादा चढ़ान है कि इधर गाड़ी ऊपर तक आता है ना, सुनो दूसरा रास्ता। तो चलिए हम लोग इधर से, गाड़ी भी आती है ऊपर, दो रास्ता है, हम लोग को ये वाला रास्ता नहीं पता था। अभी सिन्हा जी यहाँ टकरा दे जाते हैं। और ये देखिए यहाँ से पूरा रांची दिखता है। फिलहाल इतना ही देखिए, दर्शन कर लेते हैं फिर आप लोग को दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए ये बाहर का व्यू है पूरा, और सिन्हा जी चढ़ान चढ़ रहे और देख सकते हैं पूरा मस्त है। और आपको बहुत सारा रील वीडियो भी देखने को मिलेगा। देखिए ये कौन सा पूरब द्वार है, सिंह द्वार। आराम से सिन्हा जी। सेवा का टाइम लिखा हुआ है। यहाँ पे शिव जी का मंदिर है। गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ प्रसाद मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ से प्रसाद ले लेंगे। सिन्हा जी ले चुके हैं प्रसाद। सिन्हा जी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। प्रसाद ले चुके हैं, और ये है शायद मेन मंदिर का व्यू, आप लोग देख सकते हो दूर से जो मैं दिखा रही थी, अब आपको पास से दिखा रही हूँ। खाना पड़ेगा ना। सिन्हा जी नौकरी कर रहे हैं मंदिर के ऊपर। ये एंट्री है के होने से यहाँ पे ऐसे मूर्ति। चिरंजीवी
मंदिर, उसके बाद फिर ये सीढ़ी है यहाँ से। यहाँ से पूरा रांची देख सकते हो, आप लोग देख सकते हो पूरा वामन देव और पूरा अच्छा व्यू है। हाँ, हम लोग आए थे दूसरे रास्ते से क्योंकि फर्स्ट टाइम असीना जी काफ़ी दिन बाद आए तो इसलिए पता नहीं था, तो इसलिए हम लोग दूसरे रास्ते से आए थे। बट ये बहुत अच्छा व्यू भी आ रहा है और बारिश हो रही है, और बारिश भी हल्की हल्की सी हो रही है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, आपको कैसा लगा सिन्हा जी? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और सुबह सुबह ही हम लोग आ चुके हैं पहाड़ी जगन्नाथ मंदिर, पहाड़ी बाबा हमारे बहुत करीब हैं। ये है आपका पीछे पहाड़ी के बेटा सुनिए ना इधर। हाँ, ये है आपका विधानसभा। हाँ, और हो सकता है कभी आने वाले टाइम में हम विधानसभा भी आप लोग को ले चलेंगे। तो ये है बहुत ही अच्छा व्यू जगन्नाथ मंदिर का, है ना? नरसिंह देव मंदिर है यहाँ पे। तो बहुत देर से मैं ब्लॉगिंग दिखा रही थी, सिन्हा जी कहे कि नहीं अब हम दिखाते हैं तुमको चीलू रो माय गॉड। था जूम करके दिखाइए, यहाँ पे खुला जगह है ना तो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ये वो HEC प्लांट है, वो आप देख रहे हैं ना टावर टावर दूर में जो दिख रहा है, ये HEC प्लांट है। HEC प्लांट है जो दूर से आपको दिख रहा है ना, सिन्हा जी आपको जूम करके दिखा देंगे कि वो HEC प्लांट है। ये नरसिंह भगवान है। हाँ, जय नरसिंह देव की जय। तो हम लोग कोशिश यही की है कि आपको पूरा मंदिर दिखाएं, और देखिए सिन्हा जी भी पूरा दिखा रहे हैं आपको ऊपर तक, क्योंकि सिन्हा जी ज़्यादा लंबू हैं तो ज़्यादा अच्छे से दिखा रहे हैं। हाँ, झिम 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 झिम। तो यही है बारादेव मंदिर। चलिए हो गया। अब हम लोग और दिखाएंगे आपको, फिलहाल यहीं तक था और अब हम लोग फोटोज वगैरह ले लेते हैं थोड़ा, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। देख सकते हो इधर पूरा इधर का व्यू। सिन्हा जी कह रहे हैं कि हम लोग पैदल फिर आएंगे, है ना सिन्हा जी? मतलब गाड़ी से आएंगे इधर। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे साइड का व्यू, जिधर हमारी गाड़ी लगी हुई है वो दिखाते हैं। यहाँ से पूरा रांची दिख जाता है गाइज, रांची आइए और यहाँ बहुत एंजॉय कर सकते हैं। इधर पूरा गाड़ी ऊपर तक चढ़ जाता है और ये है मंदिर उत्तर द्वार, देख सकते हो उत्तर द्वार। चलिए हम लोग चलते हैं और ये देख सकते हो यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, मकर संक्रांति और ये सारा चीज लिखा हुआ है, आम सूचना भी है। और यहाँ पे पूजा हो रहा है सत्यनारायण भगवान का, हर जगह पूजा हो रहा है। और इधर आप लोग पीछे का साइड मंदिर दिखा दे रहे हैं, जो दूर से दिख रहा था ना अब वो आप पास से भी देख सकते हो। Thank you.
देख सकते हो ये पूरा पार्किंग एरिया है, और इधर था जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, जहाँ पे हम लोग थे, और इधर है पूरा पहाड़ एरिया, ठीक है, पहाड़ पे ही पूरा रांची बसा हुआ है जैसा कि आप लोग सब जानते हो। और ये देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे, मैं इस तरफ भी जा सकती हूँ, जाना नहीं है क्यों सिन्हा जी हमारे बहुत चलाक है, सो हमें जाने देंगे, भाग रहे सिन्हा जी भाग रहे, पता नहीं क्या चुरा के भाग रहे हैं सिन्हा जी मेरा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मस्त व्यू है, और इधर भी देख सकते हो, हम लोग सेकंड साइड भी आप लोग को दिखा देते हैं कि मस्त व्यू क्या है सेकंड साइड का। और उधर से तो आपको सीढ़ी भी चढ़ना पड़ा, शायद उधर से चढ़ना ना पड़े, तो चलिए वो वाला भी रास्ता आपको ले चलते हैं। और यहाँ से भी जगन्नाथ मंदिर दिख रहा है आपको, बहुत थक चुकी हूँ और भूख भी काफ़ी लग चुकी है। आज का प्रॉपर ब्लॉगिंग आपको और भी देखने को मिलेगा चीज़ें, तो वो भी आप देखिएगा, मंदिर का मैं अलग से डालूंगी सारा कुछ। तो पैदल इधर गाड़ी का रास्ता है, और इधर देखिए साई मंदिर भी है, साई सिटी भी है इधर, ये कौन सा जगह है मुझे तो नहीं पता, चलेंगे सिन्हा जी। देखिए गुमला रोड भी है, बेरो भी है, नया सराय, और यही जो रास्ता है गाइस आप लोग देख सकते हो यही रास्ता जाता है मंदिर की ओर। और इधर देखिए कितना मस्त एरिया है, रांची में कम नहीं है कहीं, ठीक है, दिल्ली मुंबई फेल है रांची के हिसाब से, क्योंकि वहाँ नेचर नहीं है, यहाँ नेचर है, प्योरिटी है, सारा कुछ है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो कितना मस्त व्यू है, रांची हमारा सबसे अच्छा है, और सब एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है जगन्नाथ मंदिर का व्यू, आगे की साइड जिधर गाड़ी जा सकता है आपका, फोर व्हीलर टू व्हीलर ऑटो हर चीज़ जा सकता है, तो आप देख सकते हो इतने नज़दीक से आपको किसी ने भी नहीं दिखाया हुआ है, तो मैं दिखा रही हूँ। और देखिए यहाँ वॉशरूम भी बना हुआ है, पिंक टॉयलेट, देखिए यहाँ पे भी हम लोग रील शूट करेंगे, थोड़ा मौसम हमें साथ नहीं दे रहा है, बट लेकिन सिन्हा जी पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग का रील वीडियो पूरा से पूरा बन सके। देखिए ये जगन्नाथ मंदिर बहुत ही सुंदर, और बहुत ही चढ़ाव भी है, आप लोग देख सकते हो कितना चढ़ाव है, मैं ऐसे दिखाऊँ तो आपको सीधा दिखेगा चढ़ाव कितना है। और मुझे यहीं पर वीडियो बनाना है, और ऊपर भी जाना है, और बच्चों का खिलौना भी मिल रहा है, और हवा मिठाई भी मिल रहा है। और ये देखिए खिलौने वाले भैया, तो देख सकते हो गाइस आप लोग इधर का व्यू बैकग्राउंड, और इधर देख सकते हो मंदिर का बैकग्राउंड, और ये है जगन्नाथ मंदिर पूरा दिख रहा है। तो मैं सोची है एक रील वीडियो यहाँ पे शूट कर लूँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है, अगर हम फ्लैश लाइट ऑन करते हैं तो उतना क्लियर नहीं आ रहा है, बट ऐसे बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है, बारिश में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, बट इट्स ओके, हम लोग मैनेज कर रहे हैं। तो सिन्हा जी को देखिए गाइस, आप लोग देख सकते हो जब यात्रा निकलता है तो यहाँ पे भी आता है, यही आगे रुक जाता है, यहाँ पे बहुत सी पारी के नाम से ये प्रसिद्ध है, 10 दिन रहते हैं फिर वापस जाते हैं। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करना चाहूँगी, और आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि ये आप लोगों को क्या